अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आज मैं चना फ्राई मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रात भर भिगा दी थी मैं, रात भर पानी में भिगा दी थी। अब इसका पानी ड्रेन कर ली मैं। कुकर में हम चने डाल दिए पानी निकाल के। अब हम पानी डालेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के 5-6 सीटी देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आज मैं ना चना मसाले की रेसिपी शेयर करनी है, चना फ्राई मसाले की। ये चने 1 कप लेके मैं इसको भिगा ली थी, धो के भिगा ली थी। रात भर भीगने के बाद ये फूल गए। और उसमें थोड़ा पानी डाल दी। देखिए, मैं 5 से 6 सीटी दे के मैं आपको फिर बताऊँगी। लीड बंद कर दे रही मैं इसका। चने हमारे बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पर फ्राई के लिए मैं पैन ली और उसमें थोड़ा सा तेल डाली। अब ये चने जो हम बॉईल करेंगे, हम इसमें डाल देंगे मिक्स करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी टेबल स्पून फुल जीरा है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल देंगे हम। फटाफट इसको नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। साइज है चना साइज जो मीठा ना बड़ी पे तो टेस्टी बनता है, बारिश में बहुत अच्छा लगता है। और ये बाल कटी अदरक डालेंगे हम इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ट्राई कीजिए आप लोग, बहुत टेस्टी बनता है, बारिश में बहुत अच्छा लगता है। बहुत हेल्दी भी होता है काला चना हमारी सेहत के लिए। देखिए आप, मसाले सारे एक दूसरे में मिल गए, चने में मिक्स हो गए। चटपटा बनता है। सर्व करके बताती हूँ। देखिए, चना मैं प्लेट में निकाल ली। अब हम इस पर प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज और कोथमीर डाल के सर्व करेंगे। वो टेस्टी बनता है और ये बहुत हेल्दी है। ट्राई कीजिए आप लोग, बच्चों को खिलाना चाहिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।